ज्ञान वापी विवाद मामले पर वाराणसी कोर्ट ने एक बार फिर से अपना फैसला काट लिया है। अब इस केस में 17 नवंबर को फैसला आएगा। दरअसल विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से एक नई याचिका डाली गई है, जिसमें वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत को फैसला सुनाना था कि मामला सुनने योग्य है भी या नहीं, मगर कोर्ट ने फैसले को दो दिन के लिए टाल दिया। अब कोर्ट 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। मैं पुनः कहूंगा कि आज जो है माननीय न्यायालय ने आदेश के लिए दो दिन का समय और लिया है। उनका कहना था कि जो है आदेश जो हुआ है, आदेश जो करना है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, कुछ बर्डन की वजह से संभवतः उन्होंने कहा है, तो इसलिए जो है वो 17 तारीख की तिथि उन्होंने निर्धारित की। माननीय न्यायालय के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए हम 17 का इंतजार करते हैं। कुछ और भी आगे कहा? नहीं, और कुछ कोई विशेष बात नहीं थी। 17 को आदेश आएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 पर। प्लेंट इतना लंबा है और अवर्मेंट ऑफ प्लेंट की स्टडी करना और जो रूलिंग वगैरह कई रूलिंग हैं दोनों तरफ से साइट हुई हैं उसकी स्टडी करना में समय लगेगा, और जज साहब के पास थोड़ा स्टडी करने के लिए अच्छी स्टडी करने के लिए समय की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने कहा है दो रोज का समय एक्सटेंड किया है ऑर्डर के लिए। 17 तारीख को ऑर्डर आ जाना चाहिए। किस मामले पर सुनवाई है? 7-11 के एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई है, उसी पर सुनवाई है। क्या 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 है इसमें मांगे की गई थी? प्लेन तो उनका एक टाइटल सूट है, एक तरह से डिक्लेरेशन मांगा है, डिमोलिशन मांगा है और प्रवेश वर्जित मांगा है। तो जो 7-11 है उस पर लॉ दिया गया है कि सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आदि से ये मुकदमा बार है, लिहाजा इनका प्लेन को रिजेक्ट किया जाए। तो इसके इसको रिजेक्ट करने के लिए अवर्मेंट ऑफ प्लेन से ही खोजना है कि क्या इनका प्लेंट में कोई काज ऑफ एक्शन है, बार्ड बाई ला है कि नहीं है। तो मामला लेंदी है इसलिए समय लग रहा है। 17 को उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाना चाहिए, इसी 17 दो दिन बाद। हाँ, दो दिन बाद। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर एक अलग से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट को तय करना था कि याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं। इस याचिका में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से क्या कुछ मांगे कोर्ट के सामने रखी गयी, तो आइए जानते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की मांगे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की इजाजत दी जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित ढांचे को हटाने की मांग। बता दें कि पिछले साल अगस्त में हिंदू पक्ष से राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार, गौरी और दूसरी मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की गई थी। साथ ही अदालत से सर्वे करने की भी मांग की गई थी। वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल में मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक पत्थर की आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने उस आकृति के शिवलिंग होने का दावा किया, जबकि मुसलमान पक्ष उसे संरचना को फव्वारा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि हिंदू पक्ष की याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस चुनाव को अदालत ने खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट को अभी जिस याचिका पर फैसला देना है वो 5 हिंदू महिलाओं की ओर से दायर की गई याचिका से अलग है, जिस पर अब 17 नवंबर को फैसला आना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।